Hello friends, welcome to the web lecture series of Anisur Rahman. Today I am going to talk on the topic tourism products. बहुत दिनों से टूरिज्म पर कोई लेक्चर नहीं हुआ है. मैं सोच रहा था कि टूरिज्म के बारे में भी कुछ लेक्चर दिया जाए. इससे पहले मैंने कई लेक्चर अपलोड किया है, वो एक्चुअली मार्केटिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड है. तो इंट्रोडक्शन ऑफ टूरिज्म के बाद दोबारा मैं टूरिज्म प्रोडक्ट्स के साथ हाजिर हुआ हूँ. तो ये टूरिज्म प्रोडक्ट क्या है? टूरिज्म इज अ सिंगल इंडस्ट्री बट इट इज मेड ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज सच एज होटल, एयरलाइन, ट्रेवल एजेंसी एटसेट्रा. तो टूरिज्म ऐसे देखने में तो एक सिंगल इंडस्ट्री है, लेकिन ये अलग अलग इंडस्ट्रीज का एक अमलगमेशन है, एक कॉम्बिनेशन है. जैसे इसके अंदर एयरलाइंस है, ट्रेवल एजेंसी है, होटल्स हैं, उसके अलावा सिर्फ एयरलाइंस नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के सभी मोड इसके अंदर आ जाते हैं. और फिर लोकल जो बिजनेस है वो भी इस टूरिज्म का पार्ट हो जाता है. है क्या कि ईच ऑफ देम प्रोवाइड्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट और दे कंबाइन टुगेदर टू प्रोवाइड ट्रेवल एक्सपीरियंस. एनी विजिट टू अ टूरिज्म डेस्टिनेशन कंप्राइजेज अ मिक्स ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. टूरिज्म कोई ऐसा सिंगल प्रोडक्ट नहीं है कि कहीं हम अगर देखने के लिए जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो सिर्फ टूरिज्म बोल के वहां पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं होता है. ये अलग अलग चीजों के कॉम्बिनेशन से ये टूरिज्म बनता है. और कोई भी एक चीज अगर नहीं हो तो टूरिज्म का जो मेन एसेंस है वो कभी पूरा नहीं हो सकता. तो ए ट्रेवलर मे बाय ऑल दीज ट्रेवल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ कमर्शियल सप्लायर, फॉर एग्जाम्पल ट्रेवल एजेंसी, एज अ सिंगल प्रोडक्ट, और मे बाय ट्रेवल कंपोनेंट्स इंडिविजुअली फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स. तो कहने का मतलब ये हुआ कि आजकल जैसे हम देखते हैं कि पैकेज, टूरिज्म पैकेज, ट्रेवल पैकेज जो चलता है, यूरोप पैकेज, इंडिया देखो पैकेज, दुनिया देखो पैकेज, तो इस तरह के जो पैकेज हैं तो ट्रेवल एजेंसी अलग अलग कंपोनेंट्स लेकर के एक साथ जमा करके ये पैकेज बनाती है और एज अ सिंगल प्रोडक्ट बेचती है. दुनिया देखो, भारत देखो, इस तरह के प्रोडक्ट. अगर कोई इंडिविजुअल चाहे कि मैं खुद अपना ट्रैवल प्लान करके सारी चीजें खुद ही अलग अलग जगहों से लेकर के ट्रैवल करूंगा तो वो भी पॉसिबल है. तो टूरिज्म में सप्लायर का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है और अलग अलग इंडस्ट्रीज के परफॉर्मेंस का भी और सर्विसेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो टूरिज्म प्रोडक्ट इज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ब्रॉट टूगेदर एज अ बंडल टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स नीड. अ टूरिज्म प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर अट्रैक्शन, एक्विजिशन और कंजम्पशन. इट इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट, सर्विसेज, पर्सनैलिटीज, प्लेसेज, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियाज. मतलब अलग अलग तरह की चीजों को इलेबोरेट करके यहां बताया गया है कि टूरिज्म इन सब चीजों का बंडल है. सबसे पहले तो टूरिज्म प्रोडक्ट में अट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है. अट्रैक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक पुल फैक्टर का काम करता है. पुश फैक्टर है हमारा मोटिवेशन कहीं जाने का, पुल फैक्टर है उस डेस्टिनेशन का अट्रैक्शन कि वो हमें क्यों बुलाता है, हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है. तो अट्रैक्शन के बाद ट्रांसपोर्टेशन, फिर एकोमोडेशन, फिर वहां पर लोकल साइट सीइंग, देन सर्विसेज ऑफ द होटल एंड लोकल हॉस्पिटैलिटी ऑफ लोकल पीपल. तो इस तरह की चीजें टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं और ये सब टूरिज्म प्रोडक्ट का हिस्सा है. अगर किसी जगह पर, चलिए हम बात करते हैं कि किस तरह से होस्ट पॉपुलेशन टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है.
अगर होस्ट पॉपुलेशन हॉस्टाइल हो जाए, मतलब वो टूरिस्ट को पसंद नहीं करे, जैसे मैंने डॉक्सिस रिडेक्स मॉडल में बताया था कि किस तरह से अलग अलग स्टेजेस होते हैं लोकल पीपल का टूरिस्ट के तरफ, के अलग अलग स्टेजेस पे किस तरह से उनका बिहेवियर टूरिस्ट के साथ बदलता है। तो अगर हॉस्टाइल हो जाए, वो गाड़ियों को रोक ले, सामान छीन झपट शुरू हो जाए, चोरी शुरू हो जाए, चुंगी वसूलने लगे, तो इस तरह की चीजें टूरिज्म को बढ़ने से रोकती है। तो टूरिस्ट के लिए और टूरिज्म डेस्टिनेशन के प्रमोशन के लिए, उसके फलने फूलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उसकी भी टूरिज्म में भागीदारी हो और वो टूरिस्ट के होस्ट की तरह काम करें, क्योंकि ये टूरिस्ट अपने घर से पैसे लेकर के आते हैं, वहां पे स्पेंड करते हैं, वहां खर्च करते हैं, उससे लोकल इकोनॉमी में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन तो होता है। ये अलग बात है कि ड्रेनेज के थ्रू ज्यादातर पैसा बाहर चला जाता है, लेकिन लोकल लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इस तरह से टूरिज्म प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे, टूरिज्म इंडस्ट्री अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है, अमलगमेशन है अलग अलग इंडस्ट्रीज का। तो टूरिज्म एज अ प्रोडक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सर्विसेस, वेरियस फैसिलिटीज, वेरियस आइडियाज एंड वेरियस सर्विसेज। तो इस तरह से आज हमने बात किया टूरिज्म प्रोडक्ट का। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि टूरिज्म प्रोडक्ट क्या होता है। आगे हम इसी से रिलेटेड और भी चीजें देखेंगे कि किस तरह से मैन मेड अट्रैक्शंस टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, या फिर किस तरह से अलग अलग नेचुरल अट्रैक्शंस है, लाइक बीचेस, हिल्स, डेजर्ट्स। तो ये सब हम इंडियन एस्पेक्ट में देखेंगे, और इस तरह से इजी लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में हम ये लेक्चर कंप्लीट करते रहेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते एक लेक्चर टूरिज्म पे और एक लेक्चर मार्केटिंग पे होती रहे। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक ऐसा लगे जिस पे लेक्चर होना चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलेगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये वीडियोस आपके लिए एड ऑन हैं, आपके लिए सपोर्टिंग चीजें हैं, सपोर्टिंग चीज है, ये बुक्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेरा लेक्चर सुनने के बाद, देखने के बाद आपको बुक्स को समझने में आसानी होगी, या फिर आपने बुक पढ़ा होगा, बहुत सी चीज समझ में नहीं आती है तो ये लेक्चर देखने के बाद क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरी कोशिश है कि आसान लैंग्वेज में आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए कुछ जो मेरा एक्सपर्टाइज का एरिया है टूरिज्म एंड मार्केटिंग, उसके बारे में लेक्चर आप लोगों के सामने लेकर के आऊं। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अनिसुर रहमान्स वीडियो।